सीनियर लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही अपने विवादित बयानों कारण विवादों च रहिंदे ने ते इन्हां दे कसूते बयानों करके बीजेपी नूं हमेशा ही विरोधियों दे तंजां दा शिकार होना पै जांदा है। कुछ इसे तरह होया इस वार तां स्वामी साहब ने सिखां दी भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण वाला बयान दे दिता। जी हाँ, उन्हां दा कहना है कि पाकिस्तान ते भारत विचकार बन रहा करतारपुर लांघा बनना ही नहीं चाहिदा। स्वामी जी, जो करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है, आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा है पाकिस्तान के? नहीं, वो बनना ही नहीं चाहिए। मेरे पाकिस्तान के जनरल का स्टेटमेंट, जरूरत अभी जरूरत नहीं है। जब हम पाकिस्तान का चार टुकड़ा करेंगे तो हम ही बना देंगे। अभी मेरी राय में इसको आगे नहीं बढ़ाना है। कह रहा हूँ कि आगे नहीं जाना चाहिए। बन तो गया एक हिस्सा, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाके तोड़ो। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो इसमें। सिखों को समझाना है भाई। सिखों तो हमारे राष्ट्रवादी हैं। मैं भी सिखों को जानता हूँ। मैं सिखों के लिए खड़ा हुआ था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। मैं अकेला खड़ा था, मैं और चंद्रशेखर दो ही अकेला खड़े हुए थे। तो मैं ये जानता हूँ, परंतु खालिस्तान तो मानेंगे नहीं। मैं ये मानता हूँ जो खालिस्तान सरदार बोलेगा उसके दिमाग खाली है। खालिस्तान वही है और कहीं नहीं है। यहाँ मैदान में कोई सिख नहीं चाहता खालिस्तान। सर, आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए, क्या खतरा आपको लगता है? कौन सा ये काय को पाकिस्तान के साथ? हमें अभी तो पाकिस्तान से कोई किसी बात पर हमारे उनके बात जुड़ना, उनके साथ काम करना हम नहीं करना चाहिए। दस दई है कि पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर संबंधी चंडीगढ़ च एक सेमिनार दौरान स्वामी ने यह बयान दिता। उन्हें कहा कि फिलहाल भारत नूं किसी भी तरह का पाकिस्तान नाल रिश्ता नहीं रखना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जदों पाकिस्तान ते भारत विचकार रिश्ता सुधर जाएगा उस समय करतारपुर कॉरीडोर नूं खोलिया जा सकता है। इस मौके उन्होंने कहा कि सिखां नूं समझना चाहिदा है कि पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। सानूं पाकिस्तान नूं कोई भी मौका नहीं देना चाहिदा साडे नाल गल करन दा। मीडिया दे कैमरे सामने वो बार बार यही गल कहंदे नजर आए कि कॉरीडोर लांघा बनना नहीं चाहिदा। सिख सेंटीमेंट्स मैं सबसे अच्छा जानता हूँ और मैं सिख का हितैषी रहा हूँ। मैं कहता हूँ राष्ट्र के लिए अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। इस जितना हुआ उसे रोक के रखो। जब मामला और सुधर जाएगा तो फिर हम इसके काम शुरू करेंगे। परंतु पाकिस्तान को हम कोई बहाना नहीं देने चाहते। हमसे बात करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए बातचीत हो रही है। उन्होंने आतंकवाद अभी तक बंद नहीं किया और जिन लोगों ने अपराध किया और पाकिस्तान में छिपे हैं उनको हैंडओवर नहीं किया। तो हमें पाकिस्तान से अभी कोई रिश्ता रखना नहीं है और सिखों को त्याग करने के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों ने फांसी लिया था अंडमान में हमारी आज़ादी के आंदोलन में। तो इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा कोई आंदोलन किया तो सिखों ने किया। तो हम तो सिखों को बहुत मानते हैं, परंतु राष्ट्र हित में मैं कह रहा हूँ इसमें आगे नहीं बढ़ना। तो ये आप देखे, तुम सिख होने के कारण तुम सिखों के तरफ से नहीं बात कर सकते हो। मैं भी इमरजेंसी में सिख था। अरे करेंगे कभी, बट अभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान ऐसा मेरी राय है। मैं नहीं जानता हूँ मेरा सरकार क्या करने वाली है। सरकार हो सकती है उसमें चलेगी, परंतु सिखों को समझना चाहिए ये सारे पाकिस्तान जो है इनके नियत खराब है। इनको पहले ठीक करना है। चकदे टीवी नाल जुड़े रहन ले साडा चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने ले बैल आइकन ते क्लिक करना ना भूलो।